असलम ये एन एफ टी या आँख की तरंग क्यों फैला हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वायरल हुआ है मैंने मजीद जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला जब इसके बारे में मैंने कहा हो मज़ा आ गया <laughs> यानी मुझे मैंने सोचा नहीं था इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें दुनिया में होंगी लेकिन हो रही है और ये बिटकॉइन के बाद आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ होगी आपको तो पता होगा आर्टिस्ट जो आप अपना आर्ट बनाते हैं तो वो कोई ख़ास प्राइज़ रखते कहते हैं कि ये मेरी कीमत है फिर लोग ख़रीदते हैं फिर वो आगे चाहें तो ज़्यादा कीमत में ही बेच सकते हैं ये क्या कि ये एक बड़े आर्टिस्ट का आर्ट है तो इस चीज़ को बस डिजिटल कर दिया गया है और इस तरह जो हर आर्ट होगा वो सिक्योर होगा उसके पीछे बाका एक कोड होगा और एन जो है नॉन फंडेबल टोकन है और मैं एक मिसाल दिखाता हूँ आपको आ, ये कार्ड्स हैं सारे और आप कार्ड भी बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं जैसे बचपन में होता था हम पॉकीमॉर्न खेलते थे तो कोई कार्ड होता था जो बहुत मुश्किल से मिलता था अब लड़के क्या करते थे वो कार्ड बेचते थे कहते थे इस वाले पोगी पौन का जो कार्ड है ना वो बहुत ज़्यादा पावर वाला है तो उसकी वैल्यू होती थी दुनिया भर में बेसबॉल कार्ड्स और अमेरिका के कुछ रेयर कार्ड्स होते हैं लोग कलेक्ट करते हैं और कहते हैं मेरी कलेक्शन में शामिल है किसी और के पास से नहीं मिलेगा तुम्हें और एक समझो दुनिया में जिस तरह सोना नहीं है सोना बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड चीज़ की वैल्यू होती है और लोग संभाल के रखते हैं कहते हैं सर मेरे पास है अगर ख़रीदना है मैं इतने में बेच रहा हूँ और उसकी कीमतें बढ़ती गिरती रहती हैं तो वही बहुत सारा सीन है लेकिन इस बार आर्ट है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जितने चाहे आर्ट डाल दूँ और बेचते रहूँ तो इतना आसान सीन नहीं है उसकी मैं वजह बताता हूँ पहले एक मिसाल दे दूँ कि इसमें खाली आर्ट नहीं आप गिफ्ट भी डाल सकते हैं और इसको किसी ने कलेक्ट करके रख लिया और ये रेयर पीस ऑफ आर्ट डिजिटल फॉर्म में उसके पास होगा वो ऑनर होगा इस चीज़ का और इसको पहली बार बनाया था टी आर वाई एम रोड ने बनाया था अब देख सकते हैं ये कि आगे किस इसने किसी को दिया और उससे ये आगे जाते गया जाते गया उसने किसी को दिया और इनके आप देख सकते हैं कितनी लंबी हिस्ट्री भी महफूज रहती है इसने आर्ट की हिस्ट्री ब्लॉक चेन पर है और ब्लॉक चेन का सीन ये है कि आप ऐसा नहीं हो सकता भर के आर्ट इंटरनेट पर पोस्ट कर दें आप जब कोई आर्ट डालेंगे ना उस वेबसाइट पे पहले आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा अपना और ज़ाहिर डॉलर्स की करेंसी नहीं होती इनकी करेंसी कुछ अलग अलग ही होती है तो डॉलर से भी आप ख़रीद सकते हैं यानी इस करेंसी को तो खैर उस करंसी से जब आप कोई आर्ट खरीदेंगे तो उस आर्ट को ख़रीदने के लिए आपके पास ऑनर के पास टेन परसेंट या थर्टी परसेंट शेयर रॉयलिटी हमेशा जाएगी अगर आप आए किसी को बेचेंगे कोई और ख़रीदेगा लेकिन ओरिजिनल ऑनर का नाम हमेशा रहेगा और आपका जो आर्ट है वो सिक्योर रहेगा मगर आप फ्री में सारे आर्ट्स भर के अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में गैस इस्तेमाल होती है अब इस बारे में आप मज़दीद इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कि गैस क्यों इस्तेमाल होती है ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है इसकी ट्रांजिशन इस आर्ट को जिंदा रखने में समझ आसान लफ्ज़ों में फ़र्ज करें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्ट ना जिंदा रखने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वह माइनर्स का काम होता है आपके आर्ट को महफूज रखना ऐसी मिसाल दे रहा हूँ सही है मुझे मुझे नहीं पता कि सही से एक्सप्लें करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे की डीप प्रोग्रामिंग क्या होती है बस मुझे इतना पता है कि आर्ट जो है वो सिक्योर रहेगा आपका वो रेयर होगा आपके ही नाम पर होगा और हो सकता है आपके मरने के बाद लोग कहें ये इस आर्टिस्ट जिसका ख़ास आर्ट स्टाइल था वो आर्टिस्ट मर चुका है उसके बस चार आर्ट थे जो हमारे पास पड़े हुए हैं अगर तुम खरीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो हमने ये पाँच डॉलर का लिया था लेकिन अब हम हज़ार डॉलर का बेच रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए हम म्यूज़ियम में रखते हैं ये आर्ट लेकिन डिजिटल फॉर्म में होगा ज़ाहिर है कागज़ का नहीं होगा तो किसी को चाहिए तो ले सकता है लेकिन खाली हमारे पास इस तरह कोई रेयर चीज़ें हो सकती है अभी पता नहीं क्या क्या लोगों ने कार्ड बनाए है यानी एक बंदे ने चांद की कलेक्शन रखी हुई है अब ज़ाहिर लिमिटेड चीज़ की वैल्यू होती है ना तो उसने कहा ये ख़ास लिमिटेड मैंने कलेक्शन बनाई है और एक बार जिसने ख़रीद लिया दोबारा नहीं खरीद पाएगा वो ज़ाहिर से नुकसान भी हो सकता है हो सकता है आप कुछ बहुत महंगा खरीद लें और आगे पैसों में नहीं भेज पाएँ या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई सस्ती चीज़ आर्ट खरीदा लेकिन उस आर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई और आपने उसे बहुत ज़्यादा कीमत में भेज दिया सही तो एक तरह से ट्रेडिशनल चीज़ डिजिटल हो गई मजीद सिक्योर ट्रेडिशनली जिस तरह होता था कि जैसे मोनालिसा या कोई भी आर्ट है तो उसकी ख़ास वैल्यू होती थी कि यार ये या आर्ट जो है वो मिलियन रुपए का और इसका ऑनर ये था लेकिन अभी हमारे पास है और आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते बहुत महंगा है तो ये चीज़ अब डिजिटल फॉर्म में हो गई और लोग ख़रीद रहे हैं इसको यानी ख़रीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं बहुत ज़्यादा कमा भी रहे हैं और यानी एक एक तरह से आर्टिस्ट के पास वापसी उनकी ताकत आ गई कि कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना उसकी एक वैल्यू रख देना क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव होता है तो देखने वाला अपनी पसंद से आर्ट ख़रीदता है तभी बिटकॉइन में हर चीज़ की कीमत जाहिर है बिटकॉइन में एक होता है ना फिक्स पैसे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं इसमें आर्ट के हिसाब से कीमत होगी यानी आर्टिस्ट ने उसकी कीमत क्या रखी या देखने वाला उसकी क्या कीमत अपने लिए सही समझ रहा है और क्या वो उसकी औकात में यानी ये या तो आर्टिस्ट के हिसाब से कीमतें रहेंगी सही है तो यानी ब्यूटी जो होती है वो आँखों में होती है आर्ट में नहीं होती तो काफ़ी अजीब सा आर्ट भी महंगे महंगे बिकते हुए दिखेंगे और काफ़ी अच्छा आर्ट भी सस्ते बिकते हुए दिखेंगे मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा नई मार्केट आई है पता ही क्या होता है इसमें थोड़ा मजीद रिसर्च करता हूँ लेकिन अब तक यही सीखना है कि आ, क्रिप्टो करेंसी की तरह आर्ट भी एक करेंसी है एक एसेट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है बेचने के लिए या रखने के लिए सही उम्मीद आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात अलग है मुझे मैंने खुद भी सही तरह नहीं समझा सॉरी अभी समझ रहा हूँ उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा मैं उसे दुस्मान फॉरम की ग्रीन शुक्रिया